मिलिटेंसी खत्म करना ठीक है, उसे कोई मना नहीं करता, लेकिन मिलिटेंसी के नाम पे बेगुनाह लोगों को मारना, इसकी इजाजत नहीं। आए दिन हम देखते हैं कि कहीं न कहीं, मेरा अपना तजुर्बा है चीफ मिनिस्टर के नाते, जब मिलिटेंट मारा जाता था तो उसके घर वाले रोते थे, लेकिन भाई वल्ला मोहल्ले में या गांव में इलाके में नहीं होता था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये मिलिटेंट है। लेकिन जब बेगुनाह मारा जाता है तो सबको मालूम होता है और सब शोर मचाता है। इसलिए मैं जब चीफ मिनिस्टर भी था, जो हैदरपुर आज था, उसमें से इंक्वायरी आ सकती, जब मैं दिता था स्टेटमेंट तब किस जुडिशियल इंक्वायरी आ सकती, हाईकोर्ट जज में से आ सकती, गवर्नर सर्वंस तक इंक्वायरी कर मस्त, मगर तब लर्टिस लेवल स्पेट बननी इंक्वायरी मैंने हाईकोर्ट जज आ सकती। इस आर्मी इस काम से करा था सराहना वारिया सास हो बात के जो जिन्हें बड़ा प्रवीण आजाद को जिन्हें तो बाबा जमीन पैसा मैं हाथ छोटे शरीर तो धो दिया आई मैं मतलब भी आजाद इस प्रदेश में भी मैं गुजारिश करता हूँ, वैसे भी हमारे यहाँ तो अगले चार महीने में तो मौसम है ही नहीं इलेक्शन, अगर डिलीबरेशन भी हुई वो चाहते भी तो हम नहीं कहते, तो आजाद साहब क्योंकि दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च मतलब पांच महीने यार क्या कर रहे चार महीने इनमें तो कुछ नहीं होता है, और चुनाव वैली में और तीन पंचायत में इलेक्शन ही हो थोड़ा सा सर आप बताए सरकार ये हमारी स्टेट हमारी पहचान खत्म हो गई, और इसमें स्टेटहुड के लिए कोई लड़ाई नहीं, जम्मू का हिंदू भाई भी सिख भाई भी कश्मीर का मुसलमान कश्मीरी पंडित भाई भी स्टेटहुड मांगता है, स्टेटहुड के बारे में किसी को ये गुमान नहीं होना चाहिए कि खाली कश्मीरी मांगते हैं। मैंने बार बार ये कहा और आल पार्टी मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर के सामने कहा कि ये जो बीजेपी वाले हैं यहाँ आपके दो चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इनकी तरफ से भी मैं मांगता हूँ स्टेट हुड, ये कह नहीं सकते तो न हो मरने का तो सवाल तो